प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू। देखिए इसमें पहचान के लिए क्या होगा क्या नहीं होगा वो मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें हैं समझने की, वो पहले समझ लें। इसमें दो चीज़ें लगती हैं, वो हैं सिंस और फॉर। ठीक है, क्या लगती हैं सिंस और फॉर? ये परफेक्ट में भी लगती हैं, लेकिन इनका बाद में हम करेंगे, हम रूल नहीं कर रहे, हम ट्रांसलेशन सीखने के लिए मैं थोड़ी थोड़ी बेसिक चीज़ें साथ में बता रहा हूँ आपको। सिंस कहाँ लगता है और फॉर कहाँ लगता है? वैसे तो इसका अर्थ क्या होता है, दोनों का ही से ही होता है अगर आप हिंदी में देखोगे तो। कहते हैं वैसे अगर आप देखोगे किताबों में तो इसका लगता है पॉइंट ऑफ सॉरी पीरियड ऑफ टाइम। अब ऐसे तो समझ में आएगा ही नहीं क्या होता है पीरियड, और यहाँ है फिर सिंस कहाँ लगेगा पॉइंट, और पॉइंट का मतलब क्या होता है, एक है बिंदु, यानी मैं कहूँ पॉइंट ऑफ टाइम। अब देखिए अगर आप शॉर्टकट में समझना चाहते हैं तो ये होती है घड़ी और यहाँ लिखूँ कैलेंडर। ठीक है, ऐसे लिखते हैं क्या कैलेंडर, जैसे भी हो घड़ी के अंदर जो समय दिखाई देता है ना उसके साथ लगता है सिंस, और कैलेंडर में जो समय दिखाई देता है उसके साथ लगता है फॉर। इस तरह से मान लो चाहे आप कुछ भी, मैं ये नहीं कहता सारी चीज़ें लगे, लेकिन फिर भी आप अगर कैलेंडर में कुछ देखो निश्चित समय होना चाहिए। अगर मैं थोड़ा सा और आसान बनाऊँ, फिर भी कई चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो सारी चीज़ें कैलेंडर में नहीं होती, तो ये देख लेना कि ऐसे सोच लो कि शुरू कार्य के शुरू होने का समय बताए, कार्य के शुरू होने का समय बताए, बस कार्य शुरू कब हुआ ये अगर पता है तो लगेगा सिंस, अन्यथा लगेगा फॉर। कैसे? जैसे अब इसमें सेंटेंस कैसे बनते हैं वो सुनना मेरी बात, ये बात मैं एक बार रफ कर रहा हूं आपकी और सब में हमेशा लास्ट में लिखा जाता है, तो पहले हमारी औपचारिकता जो होती है वो पूरी कर लें। सकारात्मक में होता है सबसे पहले सब्जेक्ट, एज ऑलवेज हमेशा की तरह। और इसमें देखो एक सोच के देखो, हम खुद बना सकते हैं इसकी। कंटिन्यू में कौन सी फॉर्म लगती है अभी बताने की तो जरूरत है ही नहीं। परफेक्ट में कौन सी लगी थी आपको पता है? प्रेजेंट परफेक्ट में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगी थी, याद है कौन सी लगी थी? हैज एव लगी थी कि नहीं लगी थी? हैज एव लगी थी ना, प्रेजेंट परफेक्ट की रख लो। अब कंटिन्यू की वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगेगी, लेकिन आपको तो पता है जो के साथ तो थर्ड फॉर्म लगती है, तो इनका विवाद खत्म करने के लिए यहां पर क्या जोड़ दिया गया, बीन। ठीक है, हैज बीन और हैव बीन। अब क्या होगा, हम चौथी फॉर्म में लगा सकते। अब देखो एक सुनो मेरी बात, ये बीन क्यों लगा होगा, ये थर्ड फॉर्म नहीं है क्या बी की? ये भी खुश, थर्ड फॉर्म इनको मिल गई और ये अपनी कंडीशन पूरी कर लेगा। चौथी फॉर्म क्यों, कंटिन्यू को भी तो खुश करना है। ये कह रहा है मैं मेरी चौथी फॉर्म लूंगा, ये कह रहा है मैं मेरी थर्ड फॉर्म लूंगा, तो तीनों को ही खुश कर दिया, हो गए ना अपना काम। और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट और फिर उसके बाद सिंस या फॉर। अब अगर नेगेटिव बनाना है, पहले नेगेटिव नहीं बनाएंगे। अब मैं कुछ एक वाक्य लिख रहा हूँ, आपको कैसे पता करना है सिंस या फॉर कैसे लगाना है, हिंदी में लिख रहा हूँ उसी के माध्यम से देखो। जैसे मैं आपको सुबह से पढ़ा रहा हूँ, दूसरा वाक्य तुम नौ बजे से पढ़
रहे हो। क्या, सॉरी प्रश्नवाचक तो लेना ही नहीं है, वह पिछले 2 घंटे से पढ़ रही है। एक बात सोचो, हमने 2 चीज़ें की थी, एक तो होता है पॉइंट ऑफ टाइम, एक होता है पीरियड ऑफ टाइम। पॉइंट का मतलब होता है एक बिंदु, राइट, एक निश्चित बिंदु होता है, होता है ना, यही होता है बिंदु। कहने का मतलब हमने क्या किया था, 2 चीज़ें पढ़ी थी, बिंदु का मतलब काम का शुरू होने का समय, वहाँ से लगेगा। एक बात याद रख लो, काम के शुरू होने का समय। वैसे तो हमारी घड़ी वाली ट्रिक काम कर जाएगी, क्या घड़ी में 2 घंटे होते हैं, घड़ी 2 घंटे बताती है क्या, बता दो, नहीं, बल्कि वो क्या बताती है, 2 बजे बता देती है, भी 2 बज गए हैं या 3 बज गए हैं। 2 घंटे से का मतलब क्या हो गया, अगर 2 बजे से 4 बजे, अब फिलहाल कितना टाइम है, 12 बजे होंगे, आसपास होंगे, आप मान लीजिए 10 बजे से पढ़ रहे, 3 घंटे से पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे, तो घड़ी ये बता देगी क्या 3 घंटे से पढ़ रहे हो, नहीं बताएगी। हम क्या कर रहे हैं, हम समय वो नहीं बता रहे जहाँ शुरू हुआ था, हम वो बता रहे हैं कि 3 घंटे से पढ़ रहे हैं, इसका मतलब हम हो सकता है 9 के आसपास हमने पढ़ना शुरू किया, मान लीजिए 9 बजे किया होगा, लेकिन हम बता कौन सा समय रहे हैं, अब वाला, वर्तमान वाला। अब इसका मतलब मैं क्या करूँगा, मैं 12 बजे घड़ी का देखूँगा टाइम और फिर अंदाज़ा लगाऊँगा, अब तो 12 बजे और आप 9 बजे से पढ़ रहे हैं, अगर आपने मेरे को कहा है 3 बजे, तो इसका कहने का मतलब आपने शुरू होने का समय नहीं बताया। अगर बात ही आप ख़त्म करना चाहते थे तो आप कह देते सर हम तो 9 बजे से पढ़ रहे हैं, तो ये क्या हो गया, फिक्स टाइम यानी पॉइंट ऑफ टाइम। तो ये था हमारा सिस्टम। अब देखो इसमें क्या कर रहा है, मैंने पहले तो एक बात कहा था कि रा रही आ गया तो ing लगे ही लगेगा, इसका वर्ड मीनिंग मान लो, हूँ आ गया तो प्रेजेंट लगेगा, से रहा है कि नहीं है, ये देख लो, से रहा हो गया कि नहीं हो गया, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यू नहीं होकर बल्कि क्या हो गया, से रहा परफेक्ट कंटिन्यू प्रेजेंट का, क्योंकि है तो इसलिए प्रेजेंट है, और रहा है इसलिए कंटिन्यू है, और से आ गया इसलिए परफेक्ट कंटिन्यू है। मैं आपको सुबह से पढ़ा रहा हूँ, मुझे एक बात बताओ, क्या सुबह पॉइंट ऑफ टाइम है या पीरियड ऑफ टाइम है? बिल्कुल सही बात, क्योंकि सुबह कोई 2-4 तो होती नहीं है, सिर्फ एक ही होती है, आपको पता है, ठीक है। तो क्या लिख दोगे, सब्जेक्ट क्या है हमारा, मैंने आपको कहा था सब्जेक्ट के बाद उल्टा शुरू कर दो, सब्जेक्ट के बाद क्या करेंगे, उल्टा ही शुरू करेंगे। आई के साथ क्या आता है, हैव बीन, आई हैव बीन पढ़ाना और ing, पढ़ाना और ing, टीच पढ़ाना ing, टीचिंग, से की इंग्लिश बोलो अब, सिंस है, बताओ अंग्रेजी, मैंने तो सीखा ही नहीं, अब आपने खुद सीखी है तो आपने बना दी, और वो अभी तक एक आया ही था हमारे पास बेचारा, वो कह रहा था ना ऐसे ही उसने की थी सारी, बोले जी मैंने तो, और मैं आपको कल परसों बता रहा था ना HU हम की हम लिख देते हैं, नंबर मिल जाते हैं, वो अभी कह रहा था मैंने तो बहुत ऊपर से नुक करके आया था ऐसे, और 69 नंबर है 69 उसकी इंग्लिश में, 69 नंबर है ना, पूछ लेना उनसे, वो मार्कशीट उसी के पास थी अभी। आई हैव बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि सब कुछ बोल दिया इसलिए प्रेजेंट का लगा दो। तुम का मतलब है यू, है कि जरूरत नहीं है तो क्या होगा, यू हैव बीन, यू हैव बीन पढ़ना की अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, रीडिंग कब रे, 9 बजे से, सिंस या फॉर, सिंस और मॉर्निंग है क्या, नहीं है, सिंस 9 o'clock। आगे वाले और बता दो, he पढ़ रही है क्या, सी
आगे बोलिए, हैज बीन, ध्यान से जल्दबाजी नहीं मत करना, आनन फानन में फैसला लेना खलत होता है। सी हैज बीन रीडिंग फोर, फोर वेरी गुड, लास्ट टू आवर, आवर नहीं है बोलिए आवर, एच चुप है क्या, साइलेंट है। ये था हमारा सकारात्मक वाक्य। और अब बताओ सिंस या फोर का नहीं पता हो तो अब देख लो नेगेटिव का। नेगेटिव मतलब है मना करना, जिसमें नोट आए, और एल एज ऑलवेज की तरह हम क्या करेंगे, हैज है ओके बाद वी राइट नोट। भाई साहब भूलो मत, हमें मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि सब्जेक्ट इंग्लिश हमेशा जुड़े क्या मैटर नहीं करता, वो आगे ऑटोमेटिक चला जाएगा, लेकिन कुछ चीज़ें फिक्स हैं, ये हेल्पिंग वर्ब के बाद ही आएगा। और आपको पता है कोई चीज़ जुड़ती है तो वो हेल्पिंग वर्ब के बाद जुड़ती है, और ये कहता है मैं तो हेल्पिंग वर्ब के बाद ही आऊँगा। जो चीज़ सीख ली वो हिलेगी नहीं, सीधा सा फंडा है यही, जिसका जहाँ जगह बनती है वो हिलेगा। कोई आ गया तो इसका मतलब ये थोड़ी आपके घर में कोई, मान लीजिए घर में आता है आपकी ज़मीन को ये हथिया लेता है क्या, कोई नहीं लेता, आप हिल नहीं दोगे। तो वही बात है, ये थोड़ी है इनके ही परिवार का सदस्य। तो ये नोट उसके बाद आपको जो जोड़ना है वो लिख दो, बीन फोर्थ फॉर्म ऑफ एनी वर्ब, देन वी राइट ऑब्जेक्ट, देन वी राइट सिंस और फॉर, और आगे लगा दो ये। अब क्या करना है बोलिए, कोई वाक्य है क्या आपके पास जो आप ऐसा करते हो कि मैं तब से ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, मैं खेल रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, जो भी है, मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं सुबह 8 बजे से नहीं पढ़ रहा हूँ, या वे लिख लीजिए, वे सुबह सुबह से नहीं पढ़ रहे हैं, मैं कल से नर्मा नहीं, चुगना की अंग्रेजी तो पता होगी, लिखवा तो रहे हो, ये लो चुग रहा हूँ मैं, चुग रहा हूँ, ये लो आप पढ़ा ही लिख दिया, चलो कोई बात नहीं लिख देंगे हम। चुगना मतलब इकट्ठा करना। चलिए बताइए मुझे क्या होगी, दे हैज नहीं रहे देवता, हैव, दे हैव नोट बीन रीडिंग सिंस या फोर, सुबह से सिंस मॉर्निंग, ये लीजिए तो सिंस मॉर्निंग। आफ्टर दैट नेक्स्ट सेंटेंस वी मूव ऑन, देखिए बताइए, टेल मी फास्ट, आई हैव बीन, इतना तो याद ही रख लो, आई हैव बीन तो लगे ही लगेगा, लेकिन आई हैव नॉट बीन लगेगा या नहीं है, आई हैव नॉट बीन कलेक्टिंग, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड गुड गुड। और हाँ ये मैंने एक बात बता दूँ, ये कहाँ से सीखा ये भी बता दूँगा मैं, आपने चल हो सकता है आपने, मैं पक्का तो नहीं कह सकता, लेकिन कॉटन कहाँ पड़ा होगा आपने, नरमे का, अभी आप फार्म अप्लाई किए होंगे जो कंप्यूटर पर अपनी फसल का हाँ ब्यौरा देने के लिए, तो वहाँ ऑप्शन में सिर्फ कॉटन ही आता है, नरमा के पास अलग अलग नहीं आते, तो हो सकता है वहाँ से कुछ लोगों ने सीखा हो। कलेक्टिंग कॉटन सिंस या फॉर, बताओ बताइए, अरे एक झंझट में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, सीधा सा सिस्टम है,
आप मुझे ये बताइए, समय का शुरू होने का समय है या बंद होने का समय है या घड़ी में है या कैलेंडर में है, क्या है? एक बात बताओ, मॉर्निंग इवनिंग टुडे यस्टरडे, यही होगा कल है। कल क्या है? कोई दो तीन दिन से कल तो है नहीं, कहने का मतलब एक फिक्स है कल वाला ही। सोचने की बात है कि नहीं, देखो हमें रट्टा नहीं मारना। कल दो होते हैं, एक भविष्य में होता है, एक पीछे हो गया। लेकिन एक बात बताओ, कल किसको कहोगे? एक फिक्स होगा, एक कल और एक आगे वाला, तो है तो फिक्स ना एक। आप समझ तो गए, क्योंकि यहाँ बात हमने पीछे की है, देखो कल से, ठीक है। और भविष्य की आती तो इसमें आता नहीं, रहा रहूँगा आगे की आता उसमें, तो मैं कल जाऊँगा या मैं जा रहा होऊंगा कल स्कूल, मैं कल से नरमा चुग रहा होऊंगा या नहीं चुग रहा होऊंगा। तो देख लो कल यस्टरडे क्यों आ रहा है, इसलिए होऊंगा गागी नहीं है। तो क्या है? सिंस है यस्टरडे। फोर लगा के पढ़ के देख लो, अगर सही लगता है तो फोर यस्टरडे, ठीक है। इसका मतलब तो आप दो तीन दिन यस्टरडे से ही पढ़ रहे होगे, हैं? अब देख लो प्रश्नवाचक का। प्रश्नवाचक में वही है आपका एज ऑलवेज, हैज और हैव कम्स फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ एनी सेंटेंस, देन वी शुड राइट सब्जेक्ट, आफ्टर दैट वी यूज बीन, एंड देन वी यूज फोर्थ फॉर्म ऑफ एनी वर्ब, आफ्टर दैट वी यूज ऑब्जेक्ट, देन सिंस और फॉर, सिंस और फॉर, एंड देन प्रश्न वही है और लिखने का तरीका भी वही है और कुछ नहीं बदलना, आपके गाइडों में सिस्टम भी वही है। तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि हाँ क्या बात है, क्या वह, आप कई बार आश्चर्य करते हो, क्या वह 9 बजे से खेल रही है, क्या वह 9 बजे से, ऑब्जेक्ट और दे देता हूँ, हाँ क्या पता कितने चिकन डिनर किए होंगे ना, पबजी खेल रही है। आजकल यही खेल सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, इतना लंबा तो और कुछ नहीं खेल सकता। तो ये आश्चर्य करता है, हो सकता है अब 5 या 6 बजे होंगे और आप सोच रहे होंगे आश्चर्य कर, क्या वह 9 बजे से पबजी खेल रही है, तो अब बताओ क्या होगा। अरे एक और है, ये परफेक्ट वाले किस में यूज करने होते हैं, कई बार मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि जब आपको टाइम बताना हो ना, रहा रही रहे आए और टाइम बताना हो, तब इसी टेंस का प्रयोग होता है, ये सोच लीजिए बस। आप प्रेजेंट कंटिन्यू में ऐसा नहीं बता सकते कि मैं नो ये कर रहा हूँ उस समय से, ये कर रहा हूँ ये कर रहा हूँ, तो ये इसी में आते हैं। वैसे से आ ही गया, खैर देखिए आपका क्या होगा, हैज सी बीन प्लेइंग पबजी, पबजी है सिंस 9 o'clock, ये लीजिए बस। भगवान आप पर दया करें, उम्मीद करता हूँ आपको ये तीनों आ गए हैं। अब आज थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं अगले टेंस के बारे में, ज़्यादा हम करेंगे नहीं क्योंकि 30-40 मिनट की क्लास होती है, वो कर लेंगे। अब देखिए पास्ट सिंपल टेंस, मैं साथ में लेके चलूँगा पास्ट प्रेजेंट सिंपल को भी, क्योंकि ऐसा नहीं है आप पीछे से पानी फिरता आए, ठीक है ना, और आपकी भाषा में कहते हैं ना आरडिया लगाना ज़रूरी हो है। प्रेजेंट सिंपल, क्योंकि देखो दोनों में फ़र्क तो समझ में आना है ना, और इधर करता हूँ अब मैं पास्ट सिंपल है। देखो
यहाँ था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और यहाँ थी डू और मैं इसकी हेल्पिंग वर्ब नहीं बताने वाला, वो सॉरी एक्सरसाइज नहीं बताने वाला, सिर्फ इतना बता रहा हूँ डू डज कब लगता है नेगेटिव और इंटरोगेटिव में। देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ कौन सी बन गई और इसकी सेकंड कौन सी बन गई डिड। अब मेरी बात बताओ ये समझ में आ गया ना कि सब्जेक्ट के बाद कौन सी फॉर्म लगेगी, इधर फर्स्ट फॉर्म है तो उधर कौन सी लगेगी पास्ट सिंपल में। ये इसलिए सीखना ज़रूरी है क्योंकि हो सकता है कई लेसनों में तो 100% इसका यूज होता हो और कई लेसन ऐसे हैं 95% भी यूज है लेकिन हैं इतने ही आसपास 90 से, हाँ चलो ऐसे मान लो 90 से प्लस। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ क्योंकि जब पेपर देते टाइम आपको हिंदी में अगर पता है मिस्टर एम्बल की कहानी तो जब रिवीजन का समय आता है तो बजाय रिवीजन करने के हिंदी में स्टोरी तो आपको पढ़ी हुई होती है और जिसकी नहीं पढ़ी हुई उसको पढ़ लो और फिर ये सोच लो कि इसमें टेंस कौन सा यूज करना है बस इस पूरे लेसन में, और टेंस कौन सा यूज करना होता है यही होता है पास सिंपल, बस इसकी ये चीज़ें इतनी पता कर लो। अब आप सोच रहे हो तो दो ये कर लेंगे दो मिनट में, आज ही होगी होगी ये तो, लेकिन अब इसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं वो चीज़ें हमें देखनी है और वो देखनी भी नहीं है, ऑटोमेटिक आप दो चार दिन करोगे तो आप उसी तरह से ढल जाओगे जैसे अपने आप को ढालोगे, बस इतना खेल है सबका। अब करना क्या है वही तो था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस डू प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और यहाँ डू प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ एनी वर्ब देन क्वेश्चन मार्क, इधर क्या होता है सब्जेक्ट के साथ है वर्ब की सेकंड फॉर्म, सब्जेक्ट के साथ है डिड प्लस नोट प्लस फर्स्ट फॉर्म। अब ये सोच लेना यहाँ फर्स्ट क्यों आई जी, यहाँ तो सेकंड लिख रखी है तो सेकंड हमने लिखी दी तो दो बार थोड़ी लिखेंगे, रही है ना ठीक। तो यही बात बस ध्यान रखनी है, अब आपको कुछ करना ही नहीं है, सेम का सेम है ही फंडा आपका जो भी है। और ये देख लो एकमात्र है जो सकारात्मक है सेकंड फॉर्म, बाकी सभी में फर्स्ट ही मान लो, चाहे उधर भी फर्स्ट ही है इधर भी फर्स्ट है, एक डिड बीच में हो गया। ये है स्ट्रक्चर इसका, लेकिन यहाँ तो मैंने आपको ये बता दिया था पेपर करते टाइम कौन कौन से वर्ड थे, सम टाइम याद करूँगा ना तो बार बार लिखूँगा तभी तो याद होगा, सम टाइम जनरली ओकेजनली ऑफनली भी मान लो चाहे, लेकिन मैं ऐसे लिख देता हूँ ऑफन सेल्डम, वेरी गुड सही है नेगेटिव में यूज होता है, और बता दो ऑलवेज एवरी के साथ, एवरी डे मत याद रखो एवरी के साथ है समय, चलो इतने ही काफ़ी हैं एक बार। इधर क्या होगा, इधर होगा इन के साथ कोई सन, इनके साथ क्या होगी सन, लास्ट के साथ क्या दिया हुआ होगा समय, और एक नाम और यस्टरडे, एक नाम और अगो, इतनी बात याद रख लोगे। बाकी इफ के साथ अगर वुड आया है उस साइड तो इस वाले साइड कौन सा होगा, यही तो होगा क्योंकि उधर पास्ट का है तो इधर भी पास्ट रखना जरूरी है, दोनों तरफ सेंटेंस में पास्ट है तो पास्ट होने जरूरी है ये बता देता हूँ आपको। तो इसलिए खैर वो हम बाद में करेंगे जब हम इनकी डिटेल से जानकारी लेंगे, अब हमें ट्रांसलेशन ही देखनी है। तो देखिए यहाँ था मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, और इधर क्या होगा मैं पढ़ता था, इधर क्या होगा मैं पढ़ता था, इधर है आई रीड तो इधर क्या होगा आई रीड ही होगा, रीड की सेकंड फॉर्म भी तो रीड ही होती है। इधर मान लीजिए आ गया मैं लिखता हूँ, समय जरूर लिखेगा थोड़ा सा लेकिन बाद में दिक्कत नहीं होगी, इधर मैं लिखता था, अरे रुक जाए यार धीरे धीरे शांति करो, हर चीज़ आएगी लेकिन एक सिस्टम के अनुसार आएगी, आप मूवी देखने जाते हो आप बीच में से थोड़ी चलवा सकते हो,
आएगी तो सारी चीज़ें तो, लेकिन अकॉर्डिंग टू समय आएंगी। पहले ये चीज़ आपको आ जाए तो आगे चलिए, ठीक है। तू तो तीन टायरों पे गाड़ी चलवाना चाहता है क्या मेरे से? आई इधर क्या होगा? राइट, अगर ही होता तो क्या हो जाता? ये राइट्स, ठीक है। इधर क्या होगा? आई रोट, क्या होगा? हाँ, एक रोट हमारे घर में और एक यहाँ, ठीक है। रोटी होते हैं ज़्यादा मोटी घुमा देते, और वो कब होती है? जब ज़्यादा घर में आ गए, क्यों कम खाएंगे फिर कुछ। और आजकल हमारी भाई जो भी बहनें होती हैं वो छोटी छोटी इतनी सुंदर सुंदर बनाती हैं, खाती भी बस लगे वैसे रहो, फिर चून देखती हैं कितना कर गया चार दिन में। आई रोट हो गया इधर, ठीक है। अब इसी का नेगेटिव बनाना था तो क्या बनाओगे? आई डिड नॉट राइट, समझ में आई ना? और डिड आई, डिड आई, मैं बहुत नई चीज़ें भी बताऊंगा, टेंशन मत लो इसमें, लेकिन नई नहीं है आपके लिए, पुरानी है, मैं बता चुका हूँ इनको। आई रोट मतलब मैंने लिखा था, आई डिड नॉट राइट मैंने नहीं लिखा था, डिड आई राइट क्या मैंने लिखा था या मैंने लिखा था क्या? अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ, ये बार बार यूज होगा, आप सोचो। मिस्टर एमएल गया था, मिस्टर एमएल ने फ्रेंच लेसन पढ़ाया था, मिस्टर एमएल ने ये कहा था, मिस्टर एमएल ने वो कहा था, ये किया था वो किया था, रार रही तो कहीं आना ही नहीं, क्यों? पास्ट में काम थोड़ी चल रहा था, हम तो स्टोरी बता रहे हैं किसी चीज़ की, और जब ये सिंपल हो जाएंगे तो हम उस लेसन को पकड़ के लेकर आएंगे भी थोड़ा सा। और एक आधा पर्सन मैं देखूँगा कल इसके ऊपर भी, कौन कौन से पर्सन बनते हैं इनके ऊपर, तो उन एक्सरसाइज को लेंगे भी। तो आई डिड नॉट राइट, अब क्या नहीं लिखा, तो आगे लेटर लिखना है तो लेटर मान लो, चाहे कुछ और चीज़ें हैं जैसे इंग्लिश वगैरह वगैरह, ग्रामर वगैरह वगैरह जो भी हो। खैर अब देखिए, जैसे मैं क्या बोलता हूँ, लेकिन एक छोटी सी चीज़ और बता देता हूँ मैं। आई डू राइट, अगर ये क्या वाक्य मेरा सही है या गलत है, क्योंकि मैंने क्या लिखाया है, मैंने क्या लिखा है इधर, ये तो इसका लिखा दिया, आई राइट है ना, इसके बीच में क्या लगा दिया मैंने, मैंने इधर डू लगा दिया। आई डिड राइट, डू कम, इसका मतलब यहां क्या आएगा, यू, क्योंकि वर्ब पहले सीधा लिखूंगा तो क्या आएगा, यू। बताओ अब क्या होगी इनकी हिंदी, ये बता रहा था मैं, कुछ नया बता दूंगा आपको थोड़ा सा, बाकी पता तो है, मैंने बता तो रखा है, भूल गए तो मैं क्या करूं। आई डू राइट का मतलब वाक्य सही है या गलत है? सही है, मैंने लिखा होगा तो सही लिखा होगा ना, यही बात है। हाँ चलो बताया डा है तो बता फिर क्या बताया डा है, दिमाग में से निकल गया। आई डू राइट का मतलब होता है मैं तो लिखता हूं, मैं भी तो लिखता हूं, मैं भी तो लिखता था, इसका तोता नहीं होता, ठीक है ना। इसका मतलब होता है तुम घर जरूर आना, ये जरूर है ना, तुम घर में जरूर आना। डू कम अगेन, अगेन और लिख दूं, ये लो दोबारा। आजकल ऐसी बात कम ही बोलते हैं, लेकिन फिर भी ठीक है। डू कम क्यों लिखते हैं? क्योंकि भाई टाइम नहीं है, कोई आ जाए तो भी, सही बात है ना, आजकल टाइम कहाँ है। डू कम अगेन मतलब तुम जरूर आना, ठीक है। तो डू ऐसी स्थिति में लगा सकते हो पहले, जब आपको किसी को जरूर शब्द के लिए यूज करना हो, जरूर खाना खाना, डू ईट, ईट ही होता है तो खाना, और क्या होता है। चलिए अब देखिए एक्सरसाइज, अब इनको लेकर बात करते हैं। जैसे देखो, आई डैश गेट ए कार इन 2020, पेपर में कैसे आता है वो देख लो। यू
डैश नोट गेट एकार लास्ट नाइट ही डैश कम हेयर यस्टरडे ही डैश गेट मैरिड 2 year अगो। ये है आपके पेपर का स्ट्रक्चर, आप देख लो आपको कैसे पहचान करनी है, कैसे लगाना है, कैसे लगाओगे बताओ। इधर आ गई इन और इसके साथ आ गई सन और आएगा भी समी आएगा। क्या लग गया? ठीक है, सॉरी मैं यहाँ ध्यान रखो, आई गोट परचेज नहीं लिखा। ठीक है, अब आगे क्या लिख रखा है? तो यहाँ क्या लिखोगे? डिड नॉट गेट, इधर कम की सेकंड फॉर्म क्या होगी? केम। क्यों? क्योंकि यस्टरडे शो कर रहा है कल का दिन। इधर 2 साल और, लेकिन 2 साल का मैटर नहीं है। ठीक है, ही गोट मैरिड 2 year अगो। अब कुछ और बातें बता देता हूँ, सुन लो मेरी बात। अब सुन लो, अब आपका एक सवाल था, क्या था वो बताओ। था सवाल की वाज और वर, यही था। तो सुनो मेरी बात, आई वाज ए हीरो। मजाक कब कर रहा हूँ, सीरियस है। क्यों, अपने आप में तो कुछ भी हो सकता हूँ ना मैं, आप थोड़ी कह रहे हो। यहाँ देख लो शब्द, और हम इंसान अपने आप में तो सोचता है, कहता नहीं है तो क्या इलाज है, है? आप सुबह सुबह क्यों ये पट्टा पूड़ी करके आते हो, सही बात है ना, होता तो अपने आप में ऐसे ही है। नहीं हो तो बताओ, अंतरात्मा से बोला करो ना, दिमाग से थोड़ी है यहाँ, है रियल में यही होता है। हीरो का मतलब क्या है? हीरो की परिभाषा तो हमें अच्छी से आनी चाहिए, है? और आजकल के मम्मी मम्मी की नज़रों में नहीं है, अपने आप की नज़रों में भी यही है। परफ्यूम परफ्यूम डाल के वो ये चाहे शक्ल मेरे कैसी हो, है? खैर छोड़िए, अब सुनिए मेरी बात। ये क्यों लगाया मैंने वाज क्यों लगाया? सर यहाँ सेकेंड फॉर्म किसकी लगाऊँ पहले तो ये बता दे, फिर समझ में आ जाएगा तेरे को। बिथा लगाना है ना मेरे को, जैसे देखो मोहन एक अच्छा लड़का था, मोहन एक मिनट सुनते जाना मेरी बात, मोहन एक गुड बॉय, ये है मान लो, चाहे यहां है लगाना है चाहे यहां थे लगाना है, तो बताओ इसकी हिंदी क्या हो गया? मोहन ए गुड बॉय, लड़का है या था, ये तो आपको नहीं पता। ले हाँ हिंट जरूर पता चल गया, ये बात तो कह रहा है कि मोहन एक अच्छा लड़का है या था, ये तो नहीं पता। है क्यों लगा रहे हो यार, इसका यहाँ कहाँ सो हो रहा है? इज है यहाँ, एम है, आर है, सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, तो फिर आपको कैसे पता है यार कुछ और है? फर्स्ट फॉर्म और सेकंड होती तभी बता सकते थे, थर्ड फॉर्म से भी नहीं बता सकते, फोर्थ से भी नहीं बता सकते। क्यों? वो तो खुद हेल्पिंग वर्ब लेती हैं, एज है लेती हैं, तो यहाँ कैसे पता चलेगा? क्योंकि ना तो इज़ मार है ना वाजबर है, ये दो ही चीज़ें बताने वाली, था या है। इसलिए सुनो मेरी बात, ये क्या है? आर्टिकल है ए।
ये क्या है? विशेषता। और किसकी? लड़के की। विशेषण। आर्टिकल क्यों आया? इसके लिए। सुनो मेरी बात, जब भी कभी आर्टिकल आ जाए ना तो उसके बाद नाउन आना जरूरी है। आर्टिकल कभी अकेला नहीं आता। क्लियर मेरी बात? तो ये नाउन है। इतना क्या है? नाउन। ये भी नाउन। तो हमें तो वर्ब तो चाहिए, इसलिए थे लगाने के लिए हमने क्या लगा दिया? वाज। और यहाँ क्या लिख सकते थे? इज। इसलिए हमने इनका यूज किया। कहने का मतलब था या है के लिए। अगर फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म किसकी लगाए यार? कोई वर्ब है ही नहीं। ये हीरो कोई वर्ब? ये देखो आर्टिकल है कि नहीं है? और चाहे ना हो, किसी का नाम आ जाए या नाउन आ जाए या संज्ञा आ जाए। संज्ञा होती है या कुछ और होता है? संज्ञा। 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 कल आज शुरू कर दी क्या आपने पढ़ाई? तो कल होगी ना क्लास, पता चल जाएगा। संधि तो बस कल ही पता चलेगा। संधि चलेगी। संधि है क्या, क्या नहीं है? ठीक है। तो ये था आपका, जैसे ही बात। अब एक और सुनो मेरी बात। कई बार आपको ऐसा लिखना चाहता है मोहन, चलो वो अगला टेंस आएगा तब बताऊंगा मैं आपको। लेकिन कुछ बता रहा था मैं इससे पहले, कुछ और बता रहा था कि आई के साथ आपने हमेशा क्या पढ़ा था? वाज वर्ब में से क्या लगता है? वाज लगता है। लेकिन आज मैं वर लगा कर दिखा रहा हूं आपको। और वर नहीं होता, ये क्या होता है? वेयर। अब देखो कैसे लगेगा। एज इफ, या मैं ऐसे कहूं विश, या विश इज। ये ही सीट के साथ मिल जाएगा, इतनी बात है। तो हमेशा कोई भी शब्द हो, चाहे कोई भी पर्सन हो, चाहे वो फर्स्ट हो, चाहे वो सेकंड हो, चाहे वो थर्ड हो, इन सभी के साथ वर लगता है, यानी वेयर लगता है। ठीक है। कैसे? हिंदी क्या होगी? हिंदी बदल जाएगी। आई विश आई वर ए किंग। मेरी इच्छा है, दिख रहा है कुछ, वर क्यों आया? दिख रहा है ना। मैं चाहता हूँ, यानी मेरी इच्छा है, या मेरी मनोकामना। मनोकामना है, मनोकामना कोई शब्द ही नहीं है, तो फिर मैं किंग बनूँगा कैसे? मैं खुद ही बोलता हूँ भगवान मेरी मनोकामना पूरी कर दे। मनोकामना शब्द ही नहीं है, क्या लट पूरी करेगा फिर? तो क्या है रे? ये है सही शब्द है। और बोलते हो मनोकामना, मने कामना, मन नहीं है, दो बिंदी और है, विसर्ग संधि। पढ़ोगे पता चल जाएगा। कौन कौन सी थी आज पढ़ी होगी? और कौन सी? ये ट्रिक बताई थी क्या? ये ले यार, इधर था, ये ट्रिक थी। अच्छे स्टूडेंट ऐसे नोट्स बनाते हैं, उन्होंने बोला था ना। यही था। आई वी साइवर ए किंग। कुछ और भी बता दूं फिर? इसी तरह से एक शब्द और है, वैसे ये हाई लेवल के हैं, मैं आपको ऐसे ही बता ही रहा हूँ, क्या पता दिमाग में रह जाए कोई चीज। कुछ एक बच्चे तैयारी कर सकते हैं आगे। और एज दाउ, अगर ये शब्द भी हैं और साथ में ये शब्द आ गया तो भी क्या लगेगा? वेयर लगेगा। जैसे ही टॉक्स विद मी एज इफ
ही वर माई बॉस, मतलब वो ऐसे बातें करता है जैसे क्या हो, मेरा बॉस हो, ठीक है। माई ये देख लो, ठीक है। बाकी आगे बताऊंगा, इसके साथ कुछ और भी आएगा, यहाँ पे हेड बीन भी आएगा, वो भी आगे बात करेंगे।